हिंदी में तो इंग्लिश में आप जैसे मर्जी दो, जो दिल से निकले अरमान वही नर्वस। एक्चुअली मैं वहां बैठ के तो काफी बोर थी, तो सबके आगे खड़ा होना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली थोड़ा फॉर्मल भी बोलना चाहिए ना, भी मतलब जान पड़े बाबा। तो ऐसा है कि सर के साथ मैं बताती मेरी जर्नी, थोड़ा चुप हो जाओ भाई सुनो। ऐसा है कि सर ने ना, मैंने पहले न्यूमरोलॉजी कोर्स किया था जैसे 2020 में, जब ये कोविड आया था तो मतलब ये लगा लो कि ऐसा लगता था कि अब लाइफ में बचा नहीं कुछ भी, क्योंकि जॉब चली गई। 10 साल से आई वाज टीचर, मैं बता रही हूँ ना, आई बीन टू टीचिंग फॉर लास्ट 10 ईयर, केमिस्ट्री टीचर 11-12, ठीक है। काफ़ी पढ़ाया मैंने, पता नहीं अचानक से स्कूल वालों को लगा कि हमें 2 टीचर नहीं चाहिए, 1 ही टीचर चाहिए। मैंने कहा क्या हो गया भाई, मैं अच्छा नहीं पढ़ाती? कहते अच्छे पढ़ाती हूँ पर हमारे पे पैसे नहीं है। बता अच्छा ठीक है तुम उनको रखो। मैंने अपने आप से बोला कि तुम मेल टीचर को रख लो, क्योंकि उसके बाद जॉब नहीं होगी तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगी, मेरे पास जॉब नहीं भी चलेगी तो भी मैंने जॉब सेक्रीफाइस किया और मैं घर पर बैठ गई। तो सर मैंने न्यूमरोलॉजी किया, मैंने अच्छे मतलब देख के कैसे ना, ऐसे शुरू से ही था मतलब ओकल्ट मेरा इंटरेस्ट। फिर सर आपको पता ना सॉरी हम कैसे मिले? मैंने ना सर को फॉलो किया। अब मिलना मिलाना तो कहीं से भी जाता है, ऑब्वियसली सोशल मीडिया राइट। बट मैंने सर को बोला कि सर मेरे को कोर्स में एनरोलमेंट दे दो। सर कहते आपको नहीं दूंगा मैं कोर्स में। सर ने मना कर दिया मुझे स्ट्रेट अवे। मुझे थोड़ा बुरा ही लग गया, मैं क्या पता नहीं सर ने मेरे को मना क्यों कर दिया। सर कह रहे कि जिससे आपने किया है ना वो नहीं, सर का लॉजिक सही था। जिससे आपने फिर आप मेरे को बोलोगे कि मैंने आपको इतना पैसा पे किया, वही चीज पढ़ा दी आपने, तो थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होगा। बट आई मस्ट टेल यू गाइस, बट जब मैंने सर ने न्यूमरोलॉजी ना, आप लगा लो कि मैंने सर से ही न्यूमरोलॉजी बहुत कुछ सीख लिया। सर ने जैसे कि ये लगा लो मैंने फ्री में ही सीख लिया ऑलमोस्ट सर से, क्योंकि मैं सर के सर होता है ना किस्मत होती है इंसान की। मेरी किस्मत बहुत तेज थी कि आपने मुझे गलती से भी ऐड कर लिया कहीं। हाँ, और ना मेरे को सच बता रहा हूं राइट। और मैंने ना सर के मैंने नहीं पैसे पे किए, आप लोगों ने न्यूमरोलॉजी के पैसे पे किए। तो बाद में सर को कोई बोलना मत, क्योंकि ये गलती से हो गई है। किस्मत होती है, अपने अपने साथ होते हैं। मेरा जुपिटर बहुत एक्टिव है, तो मैंने ना फिर मैंने वो कोर्स ले लिए। सुनो फिर मैंने वो कोर्स कर लिए, मैंने सारे एक्सेस किए सर के, और काफ़ी नॉलेज हो मुझे उधर से नहीं मिली। मैंने पाइथागोरियन किया, शेडिंग किया, अच्छा फिर मैंने ये लोशो किया। तो लोशो में जो सर की नॉलेज थी ना, बहुत मुझे काफ़ी लगा। मैंने वैदिक किया, वैदिक तो सर ने मुझे ऐसे दे दिया, लो मैं आप ऐसे दे दिया, आपने मुझे कॉल किया लो मैंने आपको वैसे दे दिया। मतलब ऐसे मतलब सर को लगा होगा कि है ना ठीक है। अब मैं फिर सर के पास, अब देखो सर के अंदर ना मेरे को एक टीचर नहीं नजर आया, मेरे को सर के अंदर एक दोस्त नजर आया। सर के अंदर मतलब ये लगा लो कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं ऐसी हूँ, मैं थोड़ी सी नाटकबाज हूँ। जैसे मेरे को भी दुखी होती तो मैं स्टेटस लगा लेती, दुखी वाले गाने लगा देती हूँ। तो फिर सर कहते क्या हो गया क्या हो गया। तो सर मतलब सर एज ए मेंटर नहीं, एज ए दोस्त भी सर बहुत सजेस्ट करते हैं। और सच में ऐसे फीलिंग आती है कि जैसे कि अपने मतलब हमारे घर के ही लोग हैं। कई बार होता है ना घर के लोग भी पूछ रहे आपको, कोई वास्ता नहीं आपसे, बट अगर कोई सामने से आगे आपका टीचर पूछ लेता है तो आपको लगता है कि देखो पता नहीं मतलब फिर आप यू विल फील ग्रेटिट्यूड टू द यूनिवर्स कि आपको भगवान ने क्या दे दिया कि देखो आपको एक मेंटर ही पूछ रहा है ना, ये आपकी किस्मत है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अकल्ट तो देखो बहुत खूबसूरत विषय है, और अगर कोई पढ़ाने वाला ऐसे मिल जाए कि जिसने आपको ज्ञान के साथ साथ आपको एक ना जीवन भर का साथ दे रहा है ना। साथ का मतलब ये थोड़ा ना कि हस्बैंड है या बॉयफ्रेंड है, ऐसा कोई नहीं देता, घर वाले भी नहीं देते होते साथ। पर जो आपके दोस्त बन जाए या आपका टीचर, और सबसे बड़ा टीचर ही बन जाए, क्योंकि वो आपको गलत रास्ते तो जाने देगा नहीं सबसे बड़ी बात। तो इसलिए आपको अपने टीचर पे ट्रस्ट करना चाहिए। मुझे उन लोगों पर बड़ा गुस्सा आ जाता है, मैं ग्रुप में भी लिख देती हूँ। मेरे को ना मैं बता रही हूँ जुपिटर एक्टिव है, तो राइटिंग स्किल भी अच्छी होगी है ना, मानते हो ना बात को? तो राइटिंग स्किल तो सर आपको पता ना जबरदस्त है, तो फिर मैं ना लिख देती हूँ। हाँ मैंने पढ़ाए आए 2 स्टूडेंट पढ़ाऊंगी, मैंने कहा पढ़ाओ मैं साथ में। सर मैंने 2 स्टूडेंट पढ़ाए, बड़े कुछ फीडबैक तो कह रहा हूं। अच्छा आपका फीडबैक था, बहुत अच्छा फीडबैक था और मैंने अच्छा किया। बाकी ये है ना कि अभी सोशल मीडिया पे उतर नहीं रही, पानी नहीं। अभी सर से गाइडलाइन लेने मैंने सर को भी मैंने बोल भी दिया खुला ऊपर है कि सर आपकी कंसल्टेशन आपको नहीं वक्त मिलता तो हमें दे दो, सही है ना सर? आप ये चीज है। तो मैं सर के लिए ना एक गुनगुना लेती हूँ थोड़ा सा। मैं आप देखो टैलेंट है थोड़ा सा दिखा देती हूँ। वैसे बता देती हूँ मैं ना सिंगर भी हूँ थोड़ी सी। काफी अच्छे लगे, मुझे बड़ी पॉजिटिव एनर्जी लग रही है। जैसे मुझे घर जाऊंगी तो मुझे काफी अच्छा लगेगा आज पूरे दिन के लिए। तो मैं गाना गा रही हूँ क्योंकि हम सब जीवन के रास्ते में मिलते हैं और सब मुसाफिर हो जाते हैं। अब मिलेंगे, अब आधे लोग कंटेक्ट करेंगे, आधे लोग नहीं करेंगे, मुसाफिर की तरह हो जाएंगे, है ना। जैसे हम अच्छा, आप कोई प्रेडिक्ट करो ये कौन सा गाना गाने वाली है? जीवन के सफर में ये बता नहीं पाया काफी होती जीवन के ये सफर इतना ही मेरा मुसाफिर भी ला रहा हूं। हां नहीं सर, अब जाओ ना, प्रेडिक्ट कर लेते हैं। जिंदगी का सफर गाऊंगी मैं, जिंदगी एक सफर। हां अरे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, इधर ना चलो सारे लोग इधर मैं घूम जाए। मुसाफिर जाने वाले, मुसाफिर जाने वाले, नहीं फिर आने वाले, चलो एक दूसरे को करे रब के हवाले। मुसाफिर जाने वाले, नहीं फिर आने वाले, चलो एक दूसरे को करे रब के हवाले। ना जाने कुछ छूट रहा है दिल में, बस कुछ टूट रहा है, होठों पे नहीं कोई कहानी, फिर भी आँख में आ गया पानी। नहीं हम भूलने वाले, नहीं तुम भूलने वाले, चलो एक दूसरे को करे रब दे हवाले, करे रब दे हवाले। कई बार ऐसा लगता है जो व्यक्ति ज्यादा बोलता है ना कि वो गरज रहा है बट उसके अंदर कुछ है नहीं, बट इनके अंदर इतना कुछ है। शी इज लाइक अ वाटर। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन।